नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अहमदाबाद का एक बंदा 21 घंटे तक खड़ा रहा आईफोन लेने की लाइन में। मतलब सोचो कि वो इंटरव्यू जब दे रहा था उसके मुंह पर इतना प्राउड फील था कि वो 21 घंटे से आईफोन के लिए खड़ा है। जैसे आईफोन लेते ही उसको नेतन्याहू, पुतिन, बाइडेन या नरेंद्र भाई मोदी उनको फ़ोन करेंगे कि अरे भाई तुमने भारत रत्न जीत लिया है। मतलब मूर्खता की सारी निशानियां ना इस बंदे ने क्रॉस करी। ये छपरी प्रो वर्जन था, ये फिक्स है। दूसरा कि इनके माँ बाप भी उनके जितने बुद्धिहीन ही होते हैं, जो मतलब वट से लोगों को फ़ोन कर कर बोलते हैं, देखा मेरे बेटे का इंटरव्यू आया, 21 घंटे से खड़ा था। मतलब आप सोच लो कि ये कितनी निकम्मी प्रजा पैदा हो रही है पृथ्वी पर, जिनको अपने समय की कोई पड़ी नहीं है। मतलब आईफोन लेकर वो क्या उखाड़ लेगा, मतलब मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पर। और इसके 2% के संस्कार पर जिसके माँ बाप ने 21 घंटे खड़े रहने दिया। मतलब जहाँ तक मेरी बात मैं अगर करूँ कि हम लोग जब कॉलेज में तब से जॉब कर रहे हैं, घर की जिम्मेदारियाँ लेकर हम लोग यहाँ तक आज पहुँचे हैं। मतलब ऐसे बच्चे जो बाप के पैसों पर जलसे करते हैं, ना माँ बाप का कहा सुनते हैं मानते, और माँ बाप भी एक अलग स्वैग में रहते हैं कि हम मॉडर्न हैं, हम पैसे वाले हैं, भले हमारी औलाद बुद्धि ही ना, लेकिन फिर भी हम लोग स्टाइल से रहेंगे। मतलब कई कई केस में तो ऐसा होगा कि बाप खुद भी दादा के पैसों से ही जीता होगा ज़मीनें बेचकर, तो वैसे बाप की औलादों से सिर्फ शायद यही उम्मीदें रखी जा सकती है, ऐसा मेरे को लगता है। मतलब 21 घंटे सिर्फ फ़ोन लेने की लाइन पे, और उस पर बोलता है आईफोन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब आपने किसी भी बड़े उद्योगपति के बच्चों को ये छपरीगिरी करते हुए कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि एक खानदानी रईस होता है ना, वो दिख जाता है। मतलब ये छपरी होते हैं ना, वो भी दिख ही जाते हैं, और ये छपरी था। मतलब आप अपने बच्चों को इतना बेरोज़गार मत प्रूव होने दे दीजिए। मतलब 2 लाख रुपए का फ़ोन लेकर भी आज अगर लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं, और मतलब जिस भी लिंक पे ये अपलोड हो रहा है वहाँ जाकर लोग उसको निकम्मा, निठल्ला, काम चोट्टा, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, तो आपके बच्चे ने कोई तीर नहीं गाड़ दी है। मतलब प्लीज़ आप उसको ना दिमाग से सक्षम बनाओ। आईफोन नहीं लेगा तो मर नहीं जाएगा। मैं आज एक लेवल पर जॉब करती हूँ लेकिन मेरे पास आईफोन नहीं है, क्योंकि मेरे को ये पागलपंती लगती है। आईफोन लेकर लोगों को करना क्या है, आईने के सामने यूँ खड़े रहकर फिर सेल्फियाँ लेने की, औरतपंतियाँ करने की। ऐसे आते हैं ये लोग, मतलब सच में मुझे, मतलब विवेकानंद जी ने कहा है ना, जिस देश का यूथ सक्षम होगा ना, वो देश को ज़िंदगी में कोई हरा ही नहीं सकता है। और हमारा यूथ किस तरफ जा रहा है, मतलब चाइना के बच्चों को देखो, छोटी छोटी उम्र में वो लोग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी से लोगों को अवगत कराते हैं। छोटे छोटे बच्चे टेक्नोलॉजीज़ पर ज्ञान देते हैं, और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, आधा कुछ बच गया इज्जत जैसा, जो ये औरतें कपड़े उतार कर उसको पूरा कर रही है। मतलब किस जगह पर जा रहे हैं। मतलब आज आप देखोगे ना, 70% यूट्यूबर्स तो वही है जो नंगे नाच करते हैं, जिनमें कोई प्रतिभा नहीं है, जिनमें कोई टैलेंट नहीं है, बस यही छपरीगिरी कर कर वो लोग, मतलब मिलियंस में जिनके फॉलोअर्स हैं, बस फालतूगिरी करो, कपड़े उतारो, लाइक्स लो। और जबकि जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा कुछ सोशल मैसेज देते हैं, जानकारियाँ देते हैं, उनके फॉलोअर्स आप देख लो, मिलते ही नहीं है। भीख मांग ले चाहे, उनको फॉलोअर्स नहीं मिलते हैं। मतलब उनको देखने वाले भी कितनी हद तक गिरी हुई पब्लिक है, आप ये सोच लो। एक तो अभी देश में एक अलग चीज चल रही है, गवार स्वैग। पढ़ाई लिखाई का महत्व शून्य होता जा रहा है। डॉली चाय वाला, जस्ट इमेजिन कि उस इंसान को इतना बड़ा स्टार बना दिया गया है। एक वो 2 कौड़ी की वड़ा पाँव वाली, उसको स्टार बना दिया गया है। मतलब इन लोगों को देख कर आज का यूथ क्या सीख रहा है कि पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। मतलब वड़ा पाव का ठेला लगाओ, दुपट्टा निकाल कर फोकट पंतिया करो, एक है जो दूध की थैली तोड़ के अपनी ज़ुबान गंदी तरीके से अड़ाता है। मतलब बिल गेट्स की भी मती मारी गई थी कि ऐसी चाय पीने चला गया। सोचो, मतलब ये गवारों ने क्या एग्जाम्पल सेट की है आज की दुनिया में, इट इज़ शॉकिंग। लोग सोच रहे पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा, गवार पंतिया करो, कभी ना कभी हम आगे आ जाएंगे। ये देश
मतलब खत्म हो जाएगा 10 साल में अगर इन लोगों की मानसिकता नहीं सुधरी तो। मतलब आज न्यूज़ आ रहा है कि डॉली चायवाला ने बॉडी गार्ड रख दिए नाचने के लिए, उसकी टफरी के पास 2 डांसर लगा दिए। ये क्या छपरीगिरी है? किन किन लोगों को हम लोग देखते हैं स्टार बना रहे हैं भाई? मतलब सुधर जाओ। मैं बच्चों को नहीं बोल रही हूँ, मैं इनके माँ बाप को बोल रही हूँ कि अपने बच्चों का ना दिमागी स्तर बढ़ाओ। इन लोगों को दिमाग से पैदल मत बनने दो, वरना आपका और देश का दोनों का ही फ्यूचर अंधकारमय है।